सारे भाई ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और यह मार्केट है यहाँ पे, और बहुत सारे भाई खड़े हैं। बतेरे दिन हो गए सर्वे कर देने, किसकी कौन सी सरकार आओगी, किसकी कितनी के गुजरा होगा। आज क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है, अब नया टाइम आ गया, और नए टाइम में भाई हमारा सवाल है किस पार्टी की कितनी सीट आऊँगी, पूछ लें। मैंने तो मेरा सर्वे का रिजल्ट बता दिया था, इन भाइयों तो पूछ लें। बाकी सारे अलग अलग पार्टियां के हैं मेरे ख्याल से, तो मैंने ज़्यादा सा नहीं मेरा इस बात का। भाई राम राम। राम राम जी, राम भाई राम। से कैसे हो? सब बढ़िया, आप सुनाओ। एक बार मेरे ख्याल पहले भी मिले हैं। हाँ जी, है ना, मार्च में मिले थे हम। मार्च में मिले थे, कोई फंक्शन था शायद। हाँ जी, आर के सदन में था वो। ओके, शहीदी ओके, दिवस के ऊपर। ओके ओके, आर के सदन में। तो भाई साहब ये बताओ, हरियाणा में इलेक्शन तो लिया। हाँ जी, 10 में से कितनी सीट दे रहे हो किसी भी पार्टी को, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी पकड़ के बताओ? लगभग 10 में से 7 या 8 सीट बीजेपी को जाएंगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा, जो 7 या 8 आपने बीजेपी दे दिए हैं, बाकी 2 या 3 किसको दिए हैं, कहाँ कहाँ से? कांग्रेस को ही जाएंगी तीनों? बिल्कुल, 2 या 3 जो भी जाएंगी वो कांग्रेस को जाएंगी। और कोई सी पार्टी ने लो, कांग्रेस, बीजेपी या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खत्म है जी कहानी इनकी। कौन कौन सी जाऊंगी? कैसे, कांग्रेस को कौन सी जा सकते हैं? कांग्रेस को सोनीपत जा सकती है। ओके, जा सकती है, श्योर है। कौन सी? बस लगभग सोनीपत, बाकी शोर कोई नहीं है। वैसे तो ये जो बीजेपी है 10 की 10 सीटों पे जीत रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ओके, एबीवीपी का पैर है भाई, कहना स्वाभाविक है, जायज है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, क्या है भाई जी? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, कौन सी कितनी सीट किस पार्टी ने मिल जाऊंगी? भाई जी 8 सीट तो इन अल्लू ने मिलेंगी। क्या बात हसना नहीं है रे, इसका मतलब क्या है भाई? 8 सीट तो इन अल्लू की है जी, एक आधी सीट पर भाई कांग्रेस बन सका। अच्छा, बाकी कुछ कह नहीं सकते, बीजेपी का तो कोई खाता नहीं भाई किंग। अरे जो एक एक पार्टी और बच गई, एक LSP, एक BSP, एक JJP। JJP कौन सी पार्टी है भैया? भाई अब असत्य है भाई, अब असत्य है, अब असत्य है भाई। अरे अजय असत्य है, अजय वहां तो धोखा देगे भाई। अच्छा, धोखा देगे नहीं, आज के डेट में भाई 10 की 10 सीट इन अल्लू की थी, ये तो बात सारे मानते होंगे भाई। अर्जुन ने बहुत बढ़िया उरा सिस्टम था भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। अच्छा जी, कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन पहले नंबर पे भाई। 8 सीट कम से कम इन लोग भाई। कांग्रेस की कहाँ पे दे रहे हो? कांग्रेस की तो भाई कड़ी ला ले, चाहे तो रोहतक में ला ले बापू बेटे की, चाहे एक सोनीपत में ला ले। अच्छा, बाकी तो मुश्किल है भाई। बीजेपी का खाता ही नहीं? बीजेपी तो खत्म है भाई। अरे JJP कौन सी पार्टी है? पता नहीं भैया, कौन को चप्पल ले रहे भाई यहाँ। चलो भाई, भाई साहब राम राम। राम राम भाई, कौन सी सरकार की कितनी सीट आ जाऊंगी? भाई साहब वैसे जैसे हम BPSO संगठन है हमारा यूनिवर्सिटी में, हम नॉन पॉलिटिकल है वैसे तो। अच्छा जी। लेकिन हम अगर देखा जाए, सर्वे देखे जाए तो कुरुक्षेत्रा में हमने JJP को सपोर्ट किया था वैसे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अच्छा, और रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा को, और हम पार्टी के हिसाब से तो कह नहीं सकते, लेकिन रोहतक की सीट डॉक्टर साहब की पक्की है, अरविंद शर्मा जी की। और यहाँ कुरुक्षेत्र कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जय भगवान शर्मा जी की सीट निश्चित है जी, उनकी सीट निश्चित है। तो BJP की कितनी सीट आ जाऊंगी टोटल? BJP की भाई साहब अंदाजा मतलब कि 7 के करीब। और कांग्रेस? कांग्रेस का भाई कुछ कह नहीं सकते। इनेलो JJP? JJP की अपना कुरुक्षेत्र की बताई है मैंने आपको। हाँ जी। ओके भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या है भाई जी? बढ़िया जी, बढ़िया। वाह जी वाह, किसकी कितनी सीट आ जाऊंगी? 7 तक आवेंगे जी BJP की। और JJP इनेलो? नहीं की नहीं, कांग्रेस की एक अंबाला वाली आओगी। कांग्रेस की अंबाला वाली? हाँ, उस पर फाइट है पूरी। और सोनीपत रोहतक फाइट है, सोनीपत रोहतक फाइट है। हाँ, और सिरसा भी फाइट है। तो 7 तो कन्फर्म है? ना ना, कन्फर्म नहीं, 5-5 कन्फर्म है, 5 फाइट है। ओके भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई वो मेरा दोस्त है और खास है, हम जींद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते भाई, अभी यहाँ पे जो MPhil और घनी चीज करके यार बेरा नहीं, मैं तो नाम भी नहीं लेने आंदे। भाई साहब। हाँ जी भाई। कितनी एक सीट आ जाऊंगी अपने भाई नू है? 5-7 तो कांग्रेस ले जाएगी, एक बचे तो BJP बचाएगी, 2 JJP की, और किसी का खाता नहीं खुलना। ये तो सब तो न्यारा समीकरण, चाहे तो इस भाई का न्यारा समीकरण, चाहे इस भाई का। वाह जी वाह। भाई साहब राम राम। भाई साहब जगदीप, राम राम, और वेलकम भाई साहब। वाह जी वाह, धन्यवाद भाई जी आपकी। देखा हाँ वीडियो। अच्छा, तो अब यूं बता दो किसकी कितनी सीट आ जाऊंगी? एनालाइज भाई साहब, आप कर गए इलेक्शन वाला दिन हो रहा है। मैं तो कर गया, आप अपनी बता दो। वो 7 आओगी भाई साहब।
लग गए नु एक साथ बीजेपी एक दुष्यंत एक कांग्रेस और एक शायद ही साड़ी इनेलो निकाल दे कुरुक्षेत्र की। ओके बाकी तीनों मतलब अलग अलग पार्टियां की साथ बीजेपी की साथ बीजेपी है भाई साहब। ओके भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब और सुना दे क्या हाल है और ठीक है भाई अभी हम हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और लाडले ठीक है चाय पानी समोसा अदरक के खाओगा भाई गणेश ने पीट देगा मट्टी नू घड़ा नहीं बोलता मैं और सुना दे भाई साहब क्या बताना है किसकी सीट आ जाऊं कितनी का जाऊं सीट तो बस में भी 60-70 हैं बाकी वह कांग्रेस वाले हैं थोड़ा अंगा ले रहे हैं थोड़ा ला रहे पांच तो जीत गए है छठी बचाली लड़ाई कौन सी पांच कौन सी जीत गए छठी कौन सी है नो मन है मेरा इतना मेरा होता मैं नहीं इलेक्शन लड़ लंदा मन तो बुड्ढे ठहरे बतावा वह पांच जीत जाएंगे। अच्छा हाँ और पांच एक बीजेपी वाले भी है मोदी यार कई दिनों घंटी मारन ला रहा फिर मैंने जाना पड़ा थीम पार्क में पर पांच सीट उसकी भी है थीम पार्क में के कुछ बात हुई नहीं हुई बस और बोले साहब क्या हाल है मैं ठीक ठाक करके था बोले साहब वाह जी वाह धन्यवाद भाई धन्यवाद और थोड़ी और कर लेना है मैं तो डेढ़ दो घंटा फ्री हूँ यार। अच्छा भाई जो भाई कई बार टीवी पे भी आ लिया मैंने तो मेरा नहीं कौन से है हाँ। भाई साहब बताओ टीवी बात है मोड़ बंद गया बरात में गया मेरे ब्याह की बरात में 10 लाख लग गए 10 लाख लग गए तू भी तो था आगे पीछे चुगन लग रहा था शाबाश और ठीक है और माटी पीट ले पे दो ना ना कुछ नहीं यार भाई साहब तमिल का बहुत खुशी हुई क्यों अगला दूसरा ब्याह होगा तो तने जरूर बुलाऊंगा ठीक है भैया तो आऊंगा ही मैंने ठीक है अच्छा ब्याह में ले जाऊं भाई साहब राम 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 भाई साहब क्या है भाई बढ़िया भाई किसकी सरकार आओगी भाई सरकार की तो सुन ले लेनी अरे कितनी सीट आ जाऊंगी भाई कांग्रेस की 2 सीट तो पक्की है कांग्रेस की रोहतक सोनीपत कोई नहीं काट सकता पक्का ठीक है पक्का लठबरगी कोई नहीं काट सकता हरिसार वाली दुष्यंत की आ जाएगी ठीक है हाँ और भिवानी वाली भाई त्रिकोणीय मुकाबला है आप कुछ नहीं कह सकते जसवा कांग्रेस जेजेपी और बीजेपी हाँ ये त्रिकोणीय भाई 6 सीट बीजेपी की 6 या 7 ठीक है और दो भिवानी वाली बाप नहीं बट टक्कर है तीनों आगी ठीक है और दुष्यंत की है और दोनों बाबू बेटे ही हैं कुमारी शैलजा भी ले जा अपनी अंबाला से हाँ भिवानी में अगर अकड़ पकड़ बम्बे वो करा तो भिवानी की सुन ले भाई जय डिपेंड करा है अहिर वोटा पे ठीक है जब वह पड़गी स्वाति यादव पे एक तरफा तो धूल चटा देगी ठीक है धर्मवीर ने बाकी टक्कर है त्रिकोणीय हाँ बचा गया इनकी तो वाई जीत है ना तो सुपड़ा साफ है 2% तो ज्यादा वोट कोई दे नहीं रहा कोई एग्जिट पोल वाला नहीं दे रहा भाई बस खेल खत्म है न्यू है अपना देखो अगर जे जे फिर इनेलो इकट्ठी होती तो बात नहीं आ रही भाई फिर तो है नहीं सुन ले 6 या 7 सीट थी जब इकट्ठी होती तो इन कर लिया नाश कार्यकर्ता का ठीक है तुम कार्यकर्ता थे वहाँ कड़ा जाएंगे भाई इस बात का अक्सर मैं कई बार जिक्र कराया करूँ वीडियो पे मैंने सीरियसली बढ़ा दू को जो भाई बहुत अंगा ला रखा था ठीक है जमा शुरू से जुड़े हुए हैं ठीक है इनका जो ये होया है नी आपस में इनका नुकसान होया कार्यकर्ता का इवन घरेलू मैटर है कोई कुछ कंधारो भाई किसी ने नहीं बेरा ठीक है यहाँ अपना पक्ष धरेंगे वहाँ अपना पक्ष धरेंगे किसी ने कुछ नहीं बेरा भाई इस बात का सीरियसली मैं भी कई बार सोचा करूँ और बड़ा दुख की बात है एक पार्टी जो उसके कार्यकर्ता उसके जो सेवक थे 20-20, 30-30, 40-40 साल से अरे घर बेच कर कई चीज बेच कर भी इस पार्टी खातर लग गए थे आज मैं नानू नगर है सीरियसली बड़ी दुख की बात है भैया भाई कार्यकर्ता जी कार्यकर्ता आज न्यू की न्यू खड़े हर एक कार्यकर्ता भी इन लोगों का न्यू की न्यू है लेकिन घर का सिस्टम खराब हो गया भाई नुके घर का सिस्टम खराब हो गया सारी वोट वहीं 10 थी वहाँ 4 नूंगा जाली 6 नूंगा जाली सिर्फ कार्यकर्ता आज न्यू बाढ़ देखा भाई कद से दोबारा इकट्ठे हुए हैं के हुआ है आप उम्मीद करो इकट्ठे होने चाहिए भाई सब का फायदा है इसमें कार्यकर्ता का फायदा है नुकसान तो कार्यकर्ता को यार नुकसान सारा कार्यकर्ता का है सारा अपना घर फूक दिया किले तक बेच दिया लोगों ने इनालो बदल आज उन नहीं अपनी कुर्सी के लालच में वो न्यारा बह जाएगा कार्यकर्ता के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कार्यकर्ता का तो भाई जिक्र को नहीं सब ने अपनी कुर्सी चाहिए भाई भाई बड़ी दुख की बात है मैंने बड़ा दुख होया इस बात पर सीरियसली यार ओए भाई डटिए रे डटिए भाई राम राम क्या ले भाई बढ़िया भाई साहब किस पार्टी कितनी सीट आ जाऊंगी भाई हरियाणा देख मोदी तो पक्का तय है यह बात है सेंटर में अच्छा अरे हरियाणा भाई 7 तो बीजेपी की पक्की है बाकी जो 2 सीटा कांग्रेस की फाइट बता रहे ना भाई देखू कार्यकर्ता बतेरे कांग्रेस के नुक में रोहतक जीत जगह सोनीपत जीत जगह उड्डा लेकिन भाई वह बात नहीं है
अग जमा कलियर नु कह देख दीपेंद्र हुड्डा जीत पड़ा है, ओडा भी अरविंद शर्मा की टक्कर है। अरे भाई मैं सफीद धोलके का हूँ, सफीद धोलके का मैं 30,000 की गारंटी दे रहा हूँ लीड लेकर जाओगी बीजेपी। सफीद धोलके था भाई, अरे तू जीन तो देख लिए, जीन तो भी कांग्रेस हारेगी। अरे जय ते मैं कह सकूँ भाई सोनीपत वाली पकती असल तो हुड्डा हारेगा भाई 100% हारेगा, बाकी 23 ने बता दें हाँ 7 कन्फर्म है बीजेपी की, 7 कन्फर्म। ओके भाई रे कौन सी पार्टी कितनी सीट आ जाऊंगी भाई, सीटा मेरा नहीं जेजेपी दूसरे तो जीतना चाहिए वैसे। कितनी सीट आ जाऊंगी दूसरे जीतना चाहिए मारा ना तो वैसे चे और सारी जो चौरा तो किसी मतलब ये बात कसो तो भाई साहब राम 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 भाई। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। इलेक्शन हो गया? हो गया भाई। 23 ने रिजल्ट आऊगा आ जाएगा। क्या लगा कौन सी पार्टी कितनी सीट आ जाएंगी भाई? साझा है सबका, मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया है, मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी का ज्यादा है। अब आगे लिखित मिले वहाँ, मतलब आपने पर्सनली क्या लगा भाई? हाँ बीजेपी कितनी आ जाएंगी, कांग्रेस कितनी, जेजेपी कितनी? बीजेपी का सुपड़ा साफ है भाई, बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी का समर्थन नहीं। अच्छा फिर कांग्रेस की कितनी आ जाएंगी? कांग्रेस की बढ़िया कितनी? उड्डा साहब रोहतक से, सोनीपत से, दो 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 है। अच्छा और दो आगे थोड़ी है, दस में दो ले, मतलब दो आगे थोड़ी है, इनके भी लाले हो रहे थे, दस में दो ले गए भाई। अच्छा इस हार से अपने चप्पल दुष्यंत साहब, अच्छा और अपने कुरुक्षेत्र से आपको अर्जुन अर्जुन जी, अर्जुन जी वाह और बताओ किसको जिताने? वाह मैं बीजेपी आनी चाहिए भाई। राम 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 भाई। भाई क्या हाल है? बढ़िया जी, आप बताओ। इलेक्शन हो लिया? हाँ इलेक्शन हो लिया। 23 ने रिजल्ट आना है? 23 ने पूरा इंतजार है। के लग है किस पार्टी कितनी सीट आ जाएंगी? देखो भाई बीजेपी आनी तो नहीं चाहिए लेकिन आओगी 5-6 सीट। 5-6 सीट आ जाएंगी? हाँ। बाकी सीट किस 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 के दूर जाएंगी? 4 कांग्रेस की मान रहे हैं भाई। कित कित की? रोहतक दीपेंद्र हुड्डा जीता भाई, बड़ा अंतर। सोनीपत हो गया, बाकी दो अंबाला अंबाला श्रुति चौधरी, अंबाला और श्रुति चौधरी। हाँ। चार हो गई, चार हो गई भाई। तो जेजेपी का कवर भी भाई बाकी टक्कर में है, कह नहीं सकते कि मैं ये थोड़ी देर में तो 10 के 10 नाम गिना दे। हां ना 5 4 4 पक्के, मतलब 5 से का माहौल बन सका है। अच्छा बढ़िया। तो फिर और कौन सी जेजेपी इनका इनेलो का कई नाम? ये तो भाई दोनों पाटम पाट हो गए, नहीं तो सरकार आ जाए मेरा बाकी जाली। क्या बात सारे को हां भाई, इस बात पे विचार विचारणीय बात है या समझनी चाहिए यह बात? अब हम तो भाई बालक, हम तो हमारी तो बात कौन थपदी की थी यहाँ भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। तो दो भाई क्या है? बढ़िया भाई अपनी सुना। इलेक्शन हो गया, किस सरकार की कितनी सीट आ जाऊंगी? देख भाई बात नू है, देख आनी तो चाहिए बीजेपी लेकिन आवे बीजेपी की। क्यों आओगी, क्या लगा? क्योंकि भाई देख डोंट माइंड बट गधे ही सरकार है, गधे लोग हैं वो वोट करें। इसमें तो इसमें हम अपने अपने गाली देवा। हाँ उस बात में हम अपने अपने गाली देवा। हाँ अपने यार दोस्तों ने गाली देवा, अपने माँ बाप ने गाली देवा, तो इस बात से मैं थोड़ा कम सहमत हूँ, इसलिए मैं अपनी पार्टी डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं। अच्छा भाई इतना पूछना था कि बस ना, जब हम लोग है ना गधे वोट देवे हैं तो ये गाली हम अपने आप ने देने लग रहे हैं। प्रजातंत्र ने गाली देने लग रहे हैं, मेरी ऐसी सोच है। चलो कोई बात नहीं भाई साहब। राम राम। राम राम। क्या कहना चाहते जी? भाई साहब कांग्रेस की आएंगे 4 सीटें हरियाणा की, पक्की बात है जी। अरे भाई साहब ने आपको बताया भी है, वही 4 आएंगे। सेम है रिजल्ट? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा चलो जी, तू मैं भाई तू बता दे क्या माहौल है, बीजेपी तो खुश है। चलो मैं तो थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं एक बार मिल लूँ लोगों से। कहाँ पे है भाई? राम राम। भाई राम राम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले। कौन ले भाई ने पकड़ के? वाह जी वाह भाई साहब। अच्छा दिखा ना दियो या कदे टीवी पे दिखा दो बात। ले और क्या खतर बनावा, सीक्रेट है। अच्छा सीक्रेट है। तो बाकी और पार्टियां कितनी की वोट आ जाऊंगी सीट आ जाऊंगी? भाई कांग्रेस बढ़त में है पूरी, 8 सीट कांग्रेस की आऊंगी हरियाणा में। कमेंट भी आऊंगे इस पे। देखा ना तो माहौल बनेगा थोड़ा थोड़ा तुम सारे दिन की मैं कि मैं बोले जाओ बोले बीजेपी की नो आऊंगी और बीजेपी की सरकार बनेगी रिये बनेगी तो हम भी बना दे भाई हुड्डा साहब। बिल्कुल 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 के जाओ है ना, सही बात है, माहौल तो ऐसे ही बनेगा। बोलो अच्छा बीजेपी का सुपड़ा साफ क्यों कर लगा है? बीजेपी का सुपड़ा साफ गाड़ी गुड़ी ना दी कि उल्टा ना बोली बाकी बंदा। बीजेपी का भाई सुपड़ा साफ इसलिए है क्योंकि लोग काम नहीं करे,
के काम करने तो विद्यार्थी हाँ जैसे हमारे लठ मरवा दिए, इलेक्शन में भी मरवा दिए, पीछे से करनाल में मरवा दिए, गोली में चलवा दी। लठ न्यू लागे भाई, इनके खिलाफ जो बोल रहे उनका सारे के लठ लागे, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मास्टर हो, कोई हो, चाहे अरे यूनिवर्सिटी में अपने चुनाव हुए थे। अच्छा, शायद उस टाइम आप नहीं आए, तो इन्होंने इनडायरेक्ट प्रणाली से चुनाव करवाए यूनिवर्सिटी में। हाँ, कोई पीछे से मुद्दा भी सुना था मैंने, जो यहाँ के बीसी थे उन्होंने उन्होंने दो तीन बड़का पे 15-16 बड़का पे 17 बच्चे इन्वेस्टिगेट कर दिए। मैंने वो वीडियो डाली थी भाई, उन्होंने सीरियस नोट बात वैसे मजाक की है, हम तो चाह रहे हैं हुड्डा साहब बने दीपेंद्र प्रधानमंत्री भूपेंद्र जी बने, हुड्डा साहब जो है राज करें देश पर, इन बातों का जो मजाक की बात थी वो अलग बात है, पर सच्चाई ये है आज का युवा परेशान है बीजेपी से, और विद्यार्थी होने के नाते इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। करनाल में भी पीछे देखा होगा आपने, उस पर भी कवर करा होगा, वो लड़का मरा था आईटीआई वाला, बस के नीचे आके मर गया वहाँ। ये 47 तक चलाई है आप कश्मीर में कहते हो कश्मीर वाली बात, देशभक्त बनाओ, वो पत्थर मारते हैं उनको फिर भी कुछ नहीं कहते, और यहाँ एक बच्चा मर गया बस के नीचे आके, उन्होंने आवाज़ उठाई, और आप 47 न्यूज़ की रिपोर्ट आप जागरण में देखना बिल्कुल। भाई जी, भाई जी, जो पिछली गवर्नमेंट थी भाई साहब, हाँ जी, इनलो हुई कांग्रेस हुई, अब कोई हैवी डिबेट नहीं करेंगे, लाइट लाइट बात करेंगे। मैं भी 2011 में उरे एडमिशन होया था। अच्छा जी, उसमें देखा था भाई साहब इतना चेंज होता है, यूनिवर्सिटी में देखा है इतनी गुंडागर्दी थी, लाइब्रेरी बनी थी अपनी उस टाइम 4 फ्लोर है लाइब्रेरी का, कोई एक फ्लोर पेपरा में भी मुश्किल था भरा करता, आज के टाइम में एक एक बालक नहीं मिलती, एक एक बालक ते ये विश्वास दिला दिया कि अगर पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी भाई साहब, वहाँ लाइब्रेरी की छोटो 2 लाइब्रेरी भी भरी पड़ी है, और ये बात मैंने नोट, ये दिक्कत ये है पहले कानून हाथ में लिया कर दे, कानून हाथ में लेन नहीं दें दिया गवर्नमेंट, कश्मीर में देख लो चाहे हरियाणा में देख लो, हरियाणा तो एग्जाम्पल बढ़ गया वर्ल्ड लेवल पर, जिस टाइम ये डेरा सच्चा सौदा कांड हुआ था, गोली लगवाना ये वर्ल्ड लेवल पर एक मैसेज गया है कि एक CM ने, मतलब ये डेमोक्रेसी है, जो आदमी तख्ता पलट कर सका था सरकार का, जी बिल्कुल, उसको अंदर कर 5 करोड़ समर्थक थे, हालांकि इस मैटर थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, इस पे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बात रूल रेगुलेशन कानून की बात कर रहा हूँ इस टाइम। देखो ये मैंने नोट किया कि भी लाइब्रेरी फुल रो है, मैंने नोट, हाँ भाई साहब ठीक है भाई जी, थैंक यू भाई, भाई साहब राम राम, राम राम भाई, और भाई जी कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। इलेक्शन हो चुका है, किस पार्टी की कितनी सीट आएंगी आपको क्या लगता है? हरियाणा में तो मुझे लगता है JJP की 1, कांग्रेस की 3-4, BJP की 2-3, कुछ ऐसे ही लग रहा है समीकरण, बाकी की तो फिर भी बच गई, 1 JJP की, 3-4 कांग्रेस की, और 1-2 BJP की, फिर भी 1-2 तो फिर बच गई, बस 1-2 BJP और जो ये कांग्रेस में, हाँ इनमें ही होगा। अच्छा, हाँ जी, BJP का इतना स्तर कम क्यों हुआ? जो इन्होंने वादे करे थे 2 करोड़ नौकरियों की, रोजगार लगातार देने की, और भी जो बहुत सारे वादे किए थे, मतलब जुमलों की सरकार रही है, विद्यार्थी वर्ग इसको अच्छी तरह से जानता है कि भाई अच्छा। लगातार 5 सालों में एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर BJP की आपके हिसाब से 1-2 सीट आ रही है, 2-3 सीट आ रही है, अगर BJP 7 से प्लस ले जाती है तो क्या वो वादे मान लिए जाएंगे भाई हाँ BJP ने पूरे करे? नहीं, उसका ये हो सकता है कि जैसे कई काम ठीक भी हुए हैं, जैसे मतलब पैसे देते थे पहले नौकरियों पे, अब वो थोड़ा उसमें पारदर्शिता आई है, मतलब भ्रष्टाचार पे थोड़ा होगा फर्क पड़ा है पहले से, और हरियाणा में तो यही है कि जो भी लगातार जो दी है इन्होंने, जैसे डी ग्रुप की है, पुलिस की है, कलर की भर्ती हुई है, इनमें कुछ इनकी बेस पे ही कुछ शायद हो सकता अगर ऐसे आई तो सीट्स। ओके भाई साहब, आपका क्या कहना है? जवाब दोनों एक के बाद है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्शन हो चुका है, किस पार्टी की कितनी सीट आएंगी 23 तारीख को? प्रेडिक्शन 6-7 सीट तो BJP की, 1 कांग्रेस की, 1 JJP की, 1 तो कुछ कह नहीं सकते, गाड़ी पे बिना है, क्योंकि उड़े कास्ट फैक्टर काम कर गया ना, तो दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं आ रहा है, तेरी वीडियो तू भी नुको था बला आ रहा है इसकी बार, जो तने इलेक्शन मैंने ना फसवाओ यार, तुम ये बात कह गए मैंने जो कह दिया ठीक है। चलो जी, इन सर पूछ लें, नमस्कार जी, कैसे हो सर आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इलेक्शन हो चुका है सर, 23 को रिजल्ट आना है, उससे पहले लोगों की प्रेडिक्शन ले रहा हूँ, किसकी भविष्यवाणी सत्य निकलती है, आपको क्या लगता है? BJP 8, कांग्रेस 2, और किसी की कोई सीट नहीं। ये सफाचट सीधा है, स्पष्ट जवाब। कैसे लगा BJP? रोहतक और सोनीपत कांग्रेस, बाकी सारी BJP। ऐसा क्यों?
बस मोदी हवा है, मोदी लहर है, वो मोदी लहर हरियाणा में सारी वहाँ पे उनका वजूद है, उन्होंने काम किया है रोहतक में, हुड्डा ने सब इसी बात ओके, इसीलिए उनकी वहाँ पे चल अच्छी पैठ है। ओके भाई साहब पंडित जी ठीक है, गया बात ठीक है, क्या सही है, संतुष्ट हो जमा। ओके भाई साहब राम राम जी भैया, राम राम, कैसे हो? बढ़िया बिल्कुल, आप बताओ क्या कुछ लगा आपने? बहुत बढ़िया लगा भाई, 7-3 का मुकाबला है, 7 सीट बीजेपी लेके जाएगी, 3 सीट पे वो है थोड़ा अपना कन्फ्यूजन था, सोनीपत रोहतक तो कांग्रेस जीतेगी, इशारली पर थोड़ी दिक्कत है, देखो क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल डाउट है भाई। आपने क्या लगा भाई जी? 9 बीजेपी और 1 दुष्यंत इशार, ठीक है जी, 10-10 बीजेपी है, बड़ा साफ है। अच्छा बिल्कुल, बाकी पार्टियों का बिल्कुल साफ है, कोई पार्टी का और दुष्यंत जी नहीं, नहीं बस सही है भाई। मैं कहूँ तो बाद में पूछूंगा। तो भाई मजा आ गया, असल में यार मैं सारी यूनिवर्सिटी में जा लिया, पीयू में भी, जेजेयू में भी, एमडीयू में भी, केयूके में तो आ ही लिया, सीरियसली सबसे ज़्यादा मज़ा केयूके में आवा है, ये अड़े लोग है ना बड़े खुल के बात कर रहे हैं, भाईचारा पूरा दिखावा है, और जगह भी दिखावा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एटीट्यूड कहीं ना कहीं लोगों में दिखा है, यहाँ की यूनिवर्सिटी में मेरे को ऐसा दिखने में नहीं आता। बड़ा मज़ा आओ भाई, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय भाई।